हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। फर्स्ट ऑफ ऑल, धनतेरस की और दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहें, सेफ रहें और फैमिली के साथ इस फेस्टिवल सीजन को अच्छे से सेलिब्रेट करें। आज मैं एक्चुअली कवर करने जा रहा हूँ शालीमार मन्नत प्रोजेक्ट को, जो कि फैज़ाबाद रोड पर लोकेटेड है। यह प्रोजेक्ट पॉलीटेक्निक या वेव मॉल से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे आता है। और एक्चुअली ये LDA की बाउंड्री में भी नहीं है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, बाराबंकी डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है। लखनऊ से थोड़ा सा आउटर में ये प्रोजेक्ट आता है। और शालीमार अपने आप में एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, अच्छी एक ब्रांड वैल्यू लेकर आता है ये बिल्डर, एक ट्रस्ट है मार्केट में और ऑलरेडी लोगों के मन में इसको लेने के लिए या इसमें एक घर शालीमार ग्रुप में एक अपना एक घर लेने के लिए हर किसी का, लखनऊ में तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों का एक सपना है। पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ कि फेज़ वन में मन्नत में क्या क्या बना हुआ है, कैसा ये अंदर का प्रोजेक्ट लेआउट है, उसके बाद में लास्ट में प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा इन डिटेल बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और लाइक करें। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो कंप्लीट करने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद फिर से मैं मिल रहा हूँ आपको। ये मेन फैज़ाबाद रोड का एंट्रेंस है और ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन लेआउट है, पूरी टाउनशिप का इस तरीके का व्यू आता है जैसे ही आप एंट्रेंस लोगे शालीमार मन्नत में। और ये फ्रंट के कुछ टावर्स हैं जिनका पोजीशन ऑलरेडी ऑफर हो चुका है और यहाँ कुछ यूनिट का होने वाला है। ये प्रोजेक्ट 2017 के आसपास लॉन्च हुआ था और अभी बन के तैयार है। और ये इस तरीके से कॉरिडोर लॉबी जो है वो इस तरीके से आएगी, एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स हैं और 2 लिफ्ट्स के ऑप्शन हैं। और स्ट्रेट अवे चलते हैं अभी 3 BHK फ्लैट जो मन्नत फेज़ वन में से में बना हुआ है उसको देख रहे हैं अभी हम। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ही ये एक आपका बेडरूम आता है जिसको एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ किया जा सकता है। जो रूम के साइज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन एक जिस कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट था उस हिसाब से रूम का साइज़ बहुत अच्छे हैं, लगभग 12x11 11.5x11 के रूम साइज़ निकले हैं इफेक्टिवली। और ये अटैच बाथरूम है। ये आपका बाथिंग एरिया हो गया। ये बाहर पे एंट्रेंस जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं ये एक डाइनिंग स्पेस है और ये एक लिविंग लॉबी है, लिविंग ड्राइंग रूम, और उसके साथ में अटैच एक बालकनी। बालकनी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लगभग लेंथ में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3-3.5 फिट की बालकनी होगी और विड्थ में, और लेंथ में लगभग 6-7 फिट की लेंथ मिलेगी। और ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में आपका एक वॉशरूम, किचन और बाकी के दोनों बेडरूम हैं। और ये है किचन स्पेस जिसमें जो रनिंग स्पेस, जो रनिंग एरिया मिलेगा जिसमें मूवमेंट का एरिया है, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपको 6-7 फिट का मूवमेंट का स्पेस मिल जाएगा एक तरफ और लगभग 5 फिट का आपको चौड़ाई मिल जाएगी। के डायगनल अपोजिट में यह बेडरूम है। इस बेडरूम में कोई बालकनी का ऑप्शन नहीं है, बेडरूम का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 12x10.5x11 का आपका साइज मिलेगा। साथ में एक ये वुडन अलमीरा स्पेस है।
नीचे फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग तक का ये स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बहुत ज़्यादा तो यूज़फुल नहीं है जितना बड़े घर के हिसाब से, लेकिन फिर भी इफ़ेक्टिव तो रहेगा क्योंकि रूम में अटैच है। और ये साथ में एक कॉमन वॉशरूम है जो इस बेडरूम के साथ, जो भी मैंने दिखाया था उसके साथ भी यूज़ हो जाएगा, और जो गेस्ट आएंगे वो भी इसको यूज़ करेंगे। और ये लगभग 12.5 बाय 12 का रूम है विद बालकनी, जिसको मैं मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। बालकनी स्पेस इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 3 फिट बाय लगभग 6 फिट का स्पेस मिलता है, 6 या 7 फिट का। और अच्छी बात इस बेडरूम की ये है कि इसमें जो अलमारी स्पेस है वो अलग से दिया हुआ है, जो वुडन वार्डरोब्स हैं उसका स्पेस जो है वो अलग से दिया है। अच्छी बड़ी वार्डरोब स्पेस निकली है, और साथ ही में ये वॉशरूम एरिया है। बहुत ज़्यादा बड़े बाथरूम्स नहीं हैं, ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट यूनिट है, और प्राइस पॉइंट भी उसी तरीके का है। शालीमार अगर 55 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में 3 BHK ऑफ़र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं होने वाला है ये, लगभग एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लगता है सूट करेगा। और ये मन्नत फेज़ 2 का लैंड है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन बस स्टार्ट हुआ है, बहुत इनिशियल लेवल पे है अभी कंस्ट्रक्शन, लैंड लेवलिंग और एक्सकवेशन वर्क अभी स्टार्ट हुए हैं। तो जैसा कि आपने अभी इस प्रोजेक्ट को देखा, इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली आपको 3 साइज़ के ऑप्शन मिलते हैं, 1200 से लेके 1200-1250 से लेके 1450 स्क्वायर फुट तक के साइज़ के ऑप्शन है, जिसमें 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK का भी ऑप्शन है। रेंज अगर मैं बात करूँ मन्नत फेज़ 1 की, उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 3700-3750 रुपये स्क्वायर फुट का करेंटली अभी पर स्क्वायर फुट में रेट चल रहा है। और मन्नत फेज़ 2 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है वो रेट तो 3800 का है, 200 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट के साथ 3600-3650 के रेट पे आपको अभी डील मिल जाएगी मन्नत फेज़ 2 में। फेज़ 1 रेडी टू मूव है, रजिस्ट्रीज चल रही हैं या कुछ समय में रजिस्ट्री कुछ लोगों की जिनकी रह गई हैं वो हो जाएंगी। और फेज़ 2 में क्योंकि पोजीशन अभी जस्ट प्रोजेक्ट अभी जस्ट लॉन्च हुआ है फेज़ 2 का, तो पोजीशन जो है वो 2023 में है, और 23 या 24 में मन्नत फेज़ 2 का पोजीशन और रजिस्ट्री ऑफर होंगी। जैसा कि आपने देखा स्ट्रेट अवे अभी मैं बात करूंगा प्रोज एंड कॉन्स के इस प्रोजेक्ट के। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट मन्नत में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मन्नत फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 तैयार हो चुका है, तो इसके प्रोज में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज़ जो दोनों प्रोजेक्ट की कॉमन है, शालीमार का ब्रांड टैग वैल्यू। किसी भी कस्टमर को शालीमार प्रोजेक्ट में लेते समय यह डाउट नहीं होता है कि एमिनिटीज़ में कोई घपला होगा, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होगा कि नहीं अप्रूव्ड होगा, टाइम से बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या जो लैंडस्केपिंग है उसमें बिल्डर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो वो तो दोनों ही प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा है। सेकेंडली जो मैं अच्छाई की बात करूँगा वो ये कि ये प्रोजेक्ट जैसा कि नाम है मन्नत, बहुत सारे लोगों का लखनऊ या सराउंडिंग मार्केट में एरिया में बहुत सारे लोग शालीमार प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिडिल सेगमेंट ग्रुप मिडिल सेगमेंट ऑडियंस जो है वो जुड़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि शालीमार एक हाई एंड प्रोजेक्ट के लिए बहुत फेमस है, उनके प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं एक मिडिल सेगमेंट आदमी के लिए या एक एक नॉर्मल एक यूज़र के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मन्नत नाम है शालीमार एक इस रेंज का प्रोजेक्ट लेकर आए उस एमिनिटीज़ के साथ, जहाँ पे अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली को भी शालीमार में परचेज करना है तो 40-45 से लेकर 60 लाख की रेंज में उनके पास एक ऑप्शन है शालीमार में वो परचेज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है मेन फैज़ाबाद रोड पर होने का, हालांकि लखनऊ से बाहर है लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस को बहुत सूट करेगा, जो गोरखपुर अयोध्या फैज़ाबाद बाराबंकी से जिनकी फंक्शनिंग बहुत रहती है लखनऊ की तरफ, और मेन सिटी में आने से पहले कंजेशन से पहले ही ये प्रोजेक्ट पड़ जाता है, तो जो यूज़ जो बहुत सारे लोगों को लखनऊ में आना नहीं पड़े, जाम में ना जाना पड़े, या बाहर से आ रहे हैं तो एक आउटर रुकने का एक घर उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसी लोकेशन में है, बाराबंकी के आसपास या अयोध्या के आसपास बहुत वर्किंग है उनकी,
तो उनको ये बहुत लोकेशन सूट करेगी। मेन बिल्कुल मेन ऑन हाईवे है, कहीं अंदर नहीं जाना है। और अगर मैं इसमें एडवांटेज की बात करूं तो मन्नत फेज वन रेडी टू मूव है। आज के टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर रेडी टू मूव या नियर टू पोजीशन प्रोजेक्ट्स की है, तो इसमें आप लें और विद इन 2-3 मंथ्स रजिस्ट्री और पोजीशन ऑफर हो जाएगा, या कुछ यूनिट्स में तो इमीडिएट रजिस्ट्री पोजीशन ऑफर हो जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसा दोगे और आप शिफ्ट कर सकते हो। अब मैं अगर निगेटिव्स की बात करूँ मन्नत फेज वन की, तो जो बालकनी साइज़ है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, बाथरूम थोड़े छोटे हैं। एक्चुअली ये इस रेंज इस हिसाब से निकाला गया था इसको कि सबकी रीच में आए, और शालीमार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, लैंडस्केपिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो उन्होंने साइज़ में थोड़ा छोटा किया। बालकनी सुपर एरिया को, एक्चुअली सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच का जो डिफरेंस है, जो लोडिंग है, उसको कम से कम रखने की कोशिश करी। इसी वजह से बालकनीज थोड़ी सी छोटी हो गई, कॉरिडोर थोड़े छोटे हो गए, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज या एक बहुत लग्जरी वाला फीलिंग नहीं आने वाला है। लेकिन दाम भी उसी तरीके से हैं, इसीलिए जो शालीमार ने चीज़ें प्रेजेंट करी हैं वो भी उसी वे में हैं। दूसरा, अगर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, मेरा वर्किंग हज़रतगंज में है, गोमती नगर में है, मेन सिटी सेंटर में है, तो मेरे को कम्यूट करने में बहुत दूर पड़ने वाला है। यहाँ से नियरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स हो गए, बड़े मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अच्छा हॉस्पिटल हो गया, तो ये सब के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस आउटर हो जाता है। अगर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है डेली यूज़ में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या इन सब की, तो यहाँ से प्रोजेक्ट कम्यूटिंग के लिए बहुत डिस्टेंस है। और लखनऊ में रहने वाले के लिए, जिसकी वर्किंग हज़रतगंज एरिया में है, पुराने लखनऊ में है या विभूतिखंड एरिया में है, तो शायद वो लोग इस प्रोजेक्ट को प्रेफर ना करें, क्योंकि डिस्टेंस वाइज ये पॉलिटेक्निक या वेव मॉल से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे हो जाता है, तो और मेन हाईवे है, बच्चों के लिए ट्रैवलिंग ईजी नहीं होगा। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट शायद बिल्कुल सूट ना करे, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोकेशन जो कुछ लोगों को सूट कर रही है, मे भी कुछ लोगों को बिल्कुल सूट ना करे। अब मन्नत फेज टू की बात करते हैं, जो हाल ही में अभी 15-20 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। इसके प्लस पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो जो डिसएडवांटेज फेज टू में था, उसमें सुपर एरिया थोड़ा सा सुपर और कारपेट एरिया के बीच की जो लोडिंग थी वो बहुत कम थी, इसमें बढ़ गई है। तो पैसा तो आप सुपर एरिया में लगभग बढ़ के लगभग जो चीज़ फेज़ वन में 1450 square feet थी, वो फेज़ टू में अप्रॉक्सीमेटली 1500 square feet हो गई है, लेकिन कारपेट सेम है। तो अगर एज अ लेमैन, एज अ जनरल ऑडियंस मैं आपको बताऊँ इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका सीधा एडवांटेज होगा कि प्रोजेक्ट में जो बालकनीज हैं वो बड़ी हो जाएंगी, फेज़ टू की बालकनीज। बाकी सब एरिया और जो अंदर रूम साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है फेज़ वन फेज़ टू के, लेकिन बालकनीज फेज़ टू में ज़्यादा बड़ी होंगी, कॉरिडोर्स थोड़े बड़े होंगे, तो एक थोड़ा सा एक लग्जरी वाला फील वो आएगा फेज़ टू वाले प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उसमें कारपेट उतना ही है जितना अभी फेज़ वन के प्रोजेक्ट में है, लगभग 950-900 square feet का। और जो सुपर एरिया है, जो पहले 1450-1450 square feet था, वो बढ़कर लगभग 1500 हो गया है। तो ये एक एडवांटेज है फेज़ वन प्रोजेक्ट फेज़ टू प्रोजेक्ट के साथ। जो डिसएडवांटेज है वो वही सेम लोकेशन, और दूसरा जो डिसएडवांटेज फेज़ टू प्रोजेक्ट के साथ वो ये है कि ये अभी 3 साल बाद बन के मिलेगा। ये प्रोजेक्ट लखनऊ शहर से थोड़ा दूर है, एक मिडिल सेगमेंट आदमी या मिडिल इनकम ग्रुप का जो प्रोफाइल है जिन लोगों की, वो अगर इतना दूर आके ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता शायद वो 3-3.5 साल वेट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको रेंटल भी मैनेज करना है, ईएमआई भी मैनेज करनी है, और इसीलिए फेज़ वन की डिमांड शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाए फेज़ टू की डिमांड से। लेकिन अगर किसी को पोजीशन 3-4 साल बाद चाहिए और मन्नत शालीमार जैसे ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसी पर्टिकुलर लोकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छी डील होने वाली है उन सभी लोगों के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट सबको सूट नहीं करेगा, कुछ ही ऑडियंस को सूट करेगा। और रेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा होना हायर साइड लगा। इसी रेंज में ओमेगा एक ऑप्शन है, बीबीडी एक ऑप्शन है, जहाँ पे पोजीशन टाइम थोड़ा जल्दी है, जल्दी ऑडियंस को, कस्टमर्स को घर मिल जाएंगे और जल्दी वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी लेना, मतलब जल्दी लेना है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस ओमेगा और जैसे मैंने और भी नाम लिए, बिल्डर, बीबीडी है, इस रोड पे कई ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर शालीमार के ब्रांड के साथ जुड़ना है, और वो शालीमार का जो टैग वैल्यू, जो ब्रांड वैल्यू, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम शालीमार होने का चार्ज करते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। वो इसीलिए रेट उनके थोड़े से महंगे हैं, 3600-3700 रुपये उस लोकेशन में, बाराबंकी की तरफ
हजम नहीं होता, लेकिन क्योंकि शालीमार है और उस टाइमलाइन में वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फॉलो करेंगे 3 साल माने 3 साल, लैंडस्केपिंग माने लैंडस्केपिंग। हाँ एक चीज़ और, लैंडस्केपिंग से ज़्यादा है पार्क्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। क्लब हाउस तो अच्छा है, बन रहा है, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया भी है, लेकिन जो पार्क्स हैं, जो ग्रीन एरिया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो जितना भी है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पार्क्स का ऑप्शन नहीं है अभी तक फेज़ वन में। फेज़ टू में वो एक बड़ा पार्क लेकर आ रहे हैं, लेकिन और जब आएगा एग्जीक्यूट होगा तो मैं एक वीडियो उस समय भी शेयर करूंगा। और इस समय करेंटली फेज़ टू का, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल शुरू इनिशियल स्टेज पे है, तो मेरे पास कुछ भी अंदर का लेआउट वगैरह दिखाने को नहीं है, लेकिन जितना मैं ब्रोशर से देख पाया फेज़ वन फेज़ टू में, मेजरली मुझे कॉरिडोर्स या बालकनी का ही एक मेजर डिफरेंस समझ में आया, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है डिज़ाइन में फेज़ वन या फेज़ टू के। मुझे लगता है मैंने शायद इस प्रोजेक्ट को आपको दिखाने में या बताने में कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे पॉइंट्स मेजरली मैंने कवर किए हैं, लोकेशन से लेके डिज़ाइन से लेके प्रोजेक्ट अंदर लेआउट से लेके सब कुछ। लास्ट में मैं जो अपनी रेटिंग देता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को 2.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूँगा। मैं जो पॉइंट कट कर रहा हूँ सिंपली दो वजह से कि फेज़ टू का पोजिशन अभी 3 साल बाद है, रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और तीसरा क्योंकि लोकेशन सबको सूट नहीं करेगी, कुछ ऑडियंस को सूट करेगी और कुछ को नहीं सूट करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना प्यार आप लोग पिछले कुछ 2-3 महीनों में दे रहे हैं उसको और बढ़ा के मुझे प्यार दें, सब्सक्राइबर्स और जल्दी बढ़ें, फॉलोअर्स और जल्दी बढ़ें, सो दैट मेरे पास और पावर्स आएँ और प्रोजेक्ट के मैं रिव्यूज़ जल्दी जल्दी कर पाऊँ, और ऑनेस्टी से आपके साथ जो बातें अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो भी कर पाऊँ। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जितना आप सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओगे उतना मेरे लिए आसान होगा वीडियोस को कवर कर पाना, उतना जल्दी या उतना ट्रांसपेरेंटली मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, और उतना बिल्डर्स मुझे बुलाएंगे अपना प्रोजेक्ट कवर करने के लिए। दिवाली का ये सीज़न एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।